एल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब ऐसा भी मत सोचना कि अल्कोहल पीने से केवल लीवर ही खराब होगा। अल्कोहल लेने वाले भले ही थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाते हों लेने के बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लंबे टाइम तक अल्कोहल लेते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो अल्कोहल आपका नर्वस सिस्टम के लिए एक्चुअली डिप्रेसेंट है, एक्साइटेंट नहीं है। ये एक्साइट नहीं करता है, एक्चुअली डिप्रेस करता है। तो जब लॉन्ग टर्म में कोई अल्कोहल लेता रहता है तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज। इससे पहले कि हम लोग कुछ देखें, हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे कोई मैडम है, शायद मैंने इनको ब्लर कर दिया है। ये शायद पी रही हैं या पीने के बाद डिप्रेस हो गई हैं। तो इस डायग्राम में एक मैसेज है, एल्कोहल इज सेंट्रल डिप्रेसेंट, ब्रेन को डिप्रेस कर देता है। तुम लोगों को लगता होगा दारू पी के बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी एक्साइटेशन होता है। ऐसा भी वो एक्साइटेशन होता नहीं, पहले ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देता है। तो अगर इनहिबिशन खत्म कर दो तो नेचुरली बॉडी एक्साइट कर हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी इनहिबिट हो जाते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स भी इनहिबिट हो जाते हैं और इंसान हमेशा के लिए डिप्रेस हो जाता है। राइट, यहाँ पे लिख लेते हैं ये चीज, वरना तुम लोगों को लगता होगा कि अल्कोहल पीने से इंसान और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म में एल्कोहल डिप्रेसेंट है, डिप्रेस कर देता है इंसान को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये एल्कोहल ले रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑर्गन है जो एल्कोहल को हैंडल करता है वो लीवर है। यहाँ पे हम लोग लीवर की भी एक डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ड्रिंक करते हैं ये आपका प्राइमरीली टॉक्सिक होता है लीवर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक लीवर बना दिया गया है, कलेजा है ये अगर हिंदी की बात करें। ठीक है, तो यहीं से अपने लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं कि ये आपके ब्रेन को भी डिप्रेस करेगा, एक्साइट नहीं करेगा, डिप्रेस करेगा, नोट कर लेना इस पॉइंट को। और दूसरी चीज है, लीवर के लिए टॉक्सिक है, फिर भी लोग पीते हैं। ठीक है, और फिर भी मैं कहता हूँ स्टडीज कहती हैं कि अल्कोहल का होना जरूरी है। राइट, आइए बात करते हैं केमिकली, अल्कोहल इज इथेनॉल, इथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। और यही बॉडी में मेटाबोलाइज होके क्या बना लेता है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड मतलब अल्कोहल से ये एल्डिहाइड हो गया, ऑल ग्रुप से, ओ एच ग्रुप से, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी शायद, ओ एच ग्रुप से सी एच ओ ग्रुप हो गया। ठीक है, आगे चल के एसिड में भी चेंज हो जाएगा, हम लोग कह देते हैं एसिटिक एसिड या एसिटेट, एसिटिक एसिड या एसिटेट। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे कौन सी बड़ी केमिस्ट्री आती है, लेकिन ये सब चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा। पर्टिकुलरली ये जो आपका एसिटल्डिहाइड है ये लीवर के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, एक लेवल से ज्यादा होगा तो इसको लीवर एसिटिक एसिड में चेंज करके एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। तो मैं यही कहता हूँ, जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं उनकी बॉडी में जितना एसिटल्डिहाइड बनेगा और स्टे करेगा इस फॉर्म में, ये लीवर को बर्बाद करेगा, टॉक्सिक टू लीवर। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक केवल डिस्कस किया है कि अल्कोहल केमिकली केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स में अल्कोहल मिलता है, डिफरेंट उसकी स्ट्रेंथ होती है, डिफरेंट तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। राइट, उन सब की बात हम लोग एटलीस्ट मेडिसिन क्लास में डीप में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ना ही मुझे इतना ज्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, ये तो आपका नॉर्मल एल्कोहल होता है जिसको हम लोग पीना चाहते हैं। ठीक है, एथनॉल या इथाइल एल्कोहल एसिटल्डिहाइड बनेगा और बॉडी में एसिटिक एसिड बन के इसको बॉडी मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल देगी। लेकिन जितना ज्यादा पिएगा इंसान उतना ज्यादा एसिटल्डिहाइड बनेगा और ये एसिटल्डिहाइड एक लिमिट से ज्यादा होगा तो सबका सब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो पाए शायद। ठीक है, और ये लीवर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। फिर हम लोग सेकेंड चीज बात कर लेते हैं, पॉइजनस एल्कोहल, जहरीली शराब। ठीक है,
ये आपका क्या होता है, सस्ती शराब। ठीक है, तो कहीं कहीं चाहे बनाने की टेक्निक में गलती हो, चाहे जानबूझ के एडल्ट्रेशन कर दें, इसी में मिथाइल अल्कोहल का इज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और मेथनॉल। ठीक है, इसको पीने के बाद क्या होता है बाद में हम लोग पढ़ेंगे, डेथ हो सकती है। ठीक है, विद इन आवर्स। ठीक है, हो सकता है इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, दिखाई देना बंद हो जाए, वोमिटिंग हो, ब्रेन एडिमा हो, डेथ हो जाए। ठीक है, तो पॉइजनस एल्कोहल के बारे में सेपरेट कभी पढ़ेंगे, फॉरेंसिक मेडिसिन में आप लोगों ने ऑलरेडी इन सब चीजों को पढ़ा होगा। तो मेडिसिन के लिहाज से हम लोग यही बता रहे हैं, दो सिस्टम प्राइमरीली टारगेटेड होते हैं एल्कोहल से, एक ब्रेन जिसमें ये डिप्रेसेंट का काम करेगा, और लीवर जिसकी सेल को डैमेज करेगा, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो लीवर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, और जब भी कोई सेल डिस्ट्रॉय होगी तो वहां पे कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन होगा, आप लोग कहते हो कि हेपेटाइटिस हो गई। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक केवल बेसिक्स ऑफ एल्कोहल की बात की है, या एल्कोहल मेटाबॉलिज्म के। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं क्या क्या टाइप्स के आपके एल्कोहल होते हैं, कितनी इसकी सेफ लिमिट होती है। ठीक है, तो एल्कोहलिक लीवर डिजीज की बात कर रहे हैं, तो जो इटियोपैथोजेनेसिस है वो तो एल्कोहल ही हुआ, तो बात कर लेते हैं एल्कोहल टाइप्स एंड सेफ्टी लिमिट्स। वैसे आज के लेक्चर के बाद तुम लोगों को एल्कोहल के बारे में काफी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ब्रांड वगैरह जो मैं बताऊंगा उसको चूज कर सकते हो, और उसमें सोच सकते हो हाँ ये ब्रांड क्यों बताई गई है, उसकी क्या खासियत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले सेफ 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 वीकली लिमिट्स। सेफ वीकली लिमिट्स मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। मेल का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है ज्यादा होता है, तो अगर वही सेम अमाउंट मेल लें फीमेल लें तो मेल में कम असर करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेल्स की बात कर लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं 21 यूनिट्स पर वीक, राइट। फीमेल की अगर बात करें तो हम लोग कह देते हैं ओनली 14 यूनिट्स पर वीक। ये आपके यूनिट्स हैं, यूनिट्स। एक यूनिट होता है आपका कितने इक्विवेलेंट, 10 ग्राम ऑफ एल्कोहल, राइट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स ऑफ एल्कोहल। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ एल्कोहल। पैग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी जान जाओ एक पैग में कितना होता है, इज इक्वल टू 30 ml। जब आप जाओगे कहीं पार्टी करने तो आप उसको ऑर्डर करोगे मेनू देख के 1 पैग, तो जो एल्कोहल आएगा वो 30 ml आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब अगर ये देख लिया जाए एक यूनिट में 10 ग्राम एल्कोहल है, तो एल्कोहल आप बियर के फॉर्म में भी ले सकते हो, विस्की के फॉर्म में भी ले सकते हो, है ना, वाइन के फॉर्म में भी ले सकते हो, स्कॉच के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो देख लेते हैं डिफरेंट ब्रांड्स में कैसे कैसे होता है, ताकि पेशेंट से आप हिस्ट्री लो तो आपको आइडिया लग जाए कि हर हफ्ते सेफ्टी लिमिट से कितना ज्यादा एल्कोहल वो पिया करता था। अब ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते उसने लगातार इससे ज्यादा पी लिया तो उसको एल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गया, नहीं, ये एक्यूट हेपेटाइटिस नहीं कराता, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस कराता है। अगर कोई 20-25 साल तक एल्कोहल पी रहा है तो इसका मतलब उसमें एल्कोहलिक लीवर डिजीज होने के चांसेस होंगे, 2-4 महीने में नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 यूनिट ऑफ एल्कोहल, या 1 यूनिट लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, 10 ग्राम ऑफ एल्कोहल, इसकी बात हो ही गई है, इज इक्वल टू, अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा तड़क भड़क वाली होती है वो होती है आपकी विस्की, 30 ml ऑफ विस्की। तुम लोग चैट सेक्शन में मुझे बताओगे कौन कौन सी ब्रांड विस्की की जबरदस्त होती हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना, गूगल वगैरह करके मत बताना, विस्की
फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 100 ml ऑफ वाइन। तुम लोगों ने सुना होगा रेड वाइन इज वेरी गुड फॉर हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग, बियर। बियर उतना नशा नहीं करती है क्योंकि बियर में एल्कोहल का परसेंटेज काफी कम होता है, 250 ml ऑफ बियर। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी था, है ना। अगर मान लीजिए कोई इंसान कहता है वो पीता है, 20 साल से पीता है, अब आपने ब्रांडी नहीं पिया, पूछा कि क्या पीता है, बियर पीता है, विस्की पीता है, देसी पीता है, क्या करता है, तो आप नहीं बता पाओगे कि उसको लिवर डैमेज या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुई है कि नहीं हुई है, या कोई और कोमॉर्बिडिटी की वजह से लिवर खराब हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये जान लेना बहुत जरूरी है। आगे चल के लिवर सेल्स डैमेज हो जाती हैं और वहां पे फाइब्रस टिश्यू आ जाता है। ठीक है, लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वहां पे फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, हम लोग उसी कंडीशन को कहते हैं लिवर सिकुड़ के छोटा हो जाता है, लिवर लिवर बचता ही नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं लिवर सिरोसिस। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं, अगर कोई सेफ्टी लिमिट के 6 गुना ज्यादा एल्कोहल, 6 टाइम्स ज्यादा एल्कोहल पीता है, जिसका मतलब लिवर कभी ना कभी जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्रॉनिक ड्रिंकर्स को देखा होगा, लेकिन सबका लिवर जवाब नहीं देता है, कुछ ही लोगों का। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, सिरोजिनिक सिरोसिस से बना हुआ है लिवर, सिरोसिस क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक है, सिरोजिनिक डोज इज इक्वल टू 180 ग्राम पर डे। ठीक है, अगर इथेनॉल आपका 180 ग्राम पर डे है फॉर 25 ईयर्स, ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रफली ये मोर देन 6 टाइम्स ऑफ सेफ्टी लिमिट आएगा, दैट इज मोर देन 6 टाइम्स ऑफ सेफ्टी लिमिट, जब आप लोग इसको देखोगे यूनिट्स कैलकुलेट करके पर वीक, राइट। तो जैसे मैं कह रहा हूं ये लिवर के लिए टॉक्सिक है, एल्कोहल लिवर के लिए टॉक्सिक है, तो धीरे धीरे लिवर सेल्स आपकी क्या होंगी, डैमेज होती रहेंगी। धीरे धीरे लिवर सेल्स डैमेज होंगी तो यहाँ पे डैमेज्ड एरिया विल गेट रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। जब बॉडी में कहीं हीलिंग होती है तो वहां फाइब्रस टिश्यू आते हैं, फाइब्रोसिस होती है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया पहले लीवर आपका इतना बड़ा था, आगे चल के यहाँ पे मैंने कह दिया 100 लीवर सेल्स थी, ये अल्कोहल पीते जा रहे हैं, तो इनका जो लीवर होगा आगे चल के छोटा हो जाएगा, 20 सेल्स बचेंगी, बाकी दारू पीते पीते शहीद हो गई हैं। ठीक है, और बाकी कुछ सेल्स की जगह पे फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं पेशेंट में लीवर छोटा हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया। फाइब्रो स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराओगे तो पता चलेगा कि लीवर का काम तमाम हो गया है। ठीक है, लिवर सिरोसिस और श्रंकेन लिवर, राइट। जब वहां पे सेल ही नहीं बचेंगी, इनिशियली तो हेपेटाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, हो सकता है सेल का साइज या लिवर का साइज बड़ा हो जाए, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेल्स आपकी क्या होंगी, सेल्स डैमेज हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी सेल्स की, और धीरे धीरे लीवर के पास कम सेल्स बचेंगे, और वहां कुछ न कुछ डैमेज हो रहा है तो कुछ न कुछ हीलिंग प्रोसेस भी होगा, और वहां पे नॉर्मल हिपेटोसाइट की जगह फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा। हम लोग कहते हैं लीवर छोटा हो गया और फाइब्रोसिस हो गई, दिस इज नोन एज सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, बात करेंगे और सिरोसिस की, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका सिरोटिक डोज और कौन कौन सी ब्रांड्स आती हैं। आइए यहाँ पे एक डायग्राम भी इंसर्ट कर देते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके अल्कोहल आते हैं, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड ड्रिंक करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बात किया वाइन ले सकते हो आप, ब्रांडी ले सकते हो, स्पिरिट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट उसमें आता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बियर की एक बॉटल रख दी है। ठीक है, बियर में 5 to 6% एल्कोहल होता है, इसमें भी आपका हार्ड भी आता है। ठीक है, जो लोग पीते हैं वो जानते होंगे, तो 5% एल्कोहल होता है आपके लगभग बियर में, बियर वाली जो ब्रांड्स होती हैं। ठीक
ठीक है। और वाइन जो होता है बहुत धीरे धीरे किक देता है, 7% अल्कोहल। लेकिन आजकल इतनी सारी ब्रांड्स आ गई हैं और इतने ज्यादा इनकी सब कैटेगरीज आ गए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, हार्ड, सीवियर, प्रीमियम, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे ब्लाइंडली कहना ठीक नहीं है कि किसमें कितना परसेंटेज होता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। और कोई डायग्राम ले लेते हैं जिसमें और ज्यादा आप लोगों को एल्कोहल के बारे में ज्ञान मिल सके। ये वाला डायग्राम भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। बड़े पेज पे ले लेते हैं, ये तो ऑलमोस्ट वही चीज है। ठीक है, जब हम लोग बियर की बात करते हैं तो करीब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 4 to 9%। ठीक है, एवरेज में कहता हूँ 5% होता है। ठीक है, वाइन में कितना इन लोगों ने बताया था, 7%। ये लो, इन्होंने बार को और बढ़ा दिया है, 10 to 12%। वेरी नाइस। और यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख पा रहे हो वोडका, व्हिस्की, रम, ब्रांडी, अप टू 40% ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी हार्ड पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, तो इस तरीके से आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी ड्रिंक पीना सही रहेगा। ठीक है, इतना एल्कोहल मैंने पढ़ा दिया है, इसको तुम लोग अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, इस लेक्चर को ठीक है फॉलो कर सकते हो, बट मैं ड्रिंक करने को नहीं बोल रहा हूँ। किसी से कह मत देना कि आज बोला गया है कि ड्रिंक करो। और अगर पूरी फैमिली लेक्चर सुन रही हो तो प्लीज ईयरफोन लगा लो, पिटवाओ मत हमको। चलिए, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की। ठीक है, फिर से वही सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोगों में लीवर खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, कुछ लोग पीते हैं, चिल करते हैं, कुछ खराब नहीं होता है उनका। तो डिपेंड करता है कि उनमें कोमॉर्बिडिटीज कितनी है, ठीक है, उनकी हेल्थ कैसी है, मोटापा उनका कैसा है, ठीक है, और कोई और साइमल्टेनियस लीवर डिजीज है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोग पीते हैं लेकिन एल्कोहलिक लीवर डिजीज, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है, राइट। कुछ लोग कम भी पीते होंगे, उनका ड्रिंकिंग थ्रेशोल्ड, चाहे नशा चढ़ जाने का, चाहे हेपेटाइटिस हो जाने का, चाहे इससे लीवर कैंसर हो जाने का, अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है। तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर लो चुके हैं। 180 या 160 अगर 20-25 साल तक एल्कोहल लेते हो पर डे, तो ये लीवर सिरोसिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस करके आपके लीवर को बर्बाद कर सकता है। कितना एनफ है, ठीक है, अगर बहुत लंबे टाइम तक आप लोग 80 ग्राम एल्कोहल पर डे लोगे तो हेपेटाइटिस इन जनरल नहीं कह सकते, लीवर में सबसे पहले फैट डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, हम लोग उसी को कहते हैं फैटी लीवर। ऐसा नहीं कि जो लोग एल्कोहल नहीं पीते उनमें फैटी लीवर नहीं होता, अगर कोई खुद ही बहुत फैटी है, गैंडा जैसा मोटा हो गया है, तो फैट बॉडी में है, कुछ तो लीवर में भी डिपॉजिट होगा। तो जो फैटी लीवर डिजीज होता है, एक एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होता है, एक नॉन एल्कोहलिक लीवर फैटी लीवर डिजीज होता है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में भी हो जाता है, और ये इतना सीवियर होता है कि पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, अब देखो जो बात हम लोग कह रहे थे कि एल्कोहल की डोज को, ससेप्टेबिलिटी को या सेफ्टी लेवल को हम लोग क्या मानते हैं कि वीक में, तो अगर कोई कंटिन्यूअस ड्रिंक कर रहा है दैट इज नॉट गुड थिंग, यूज टू नहीं होना है, इंटरमिटेंट ले रहे हो दैट इज बेटर। जेंडर, फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू लिवर डिजीजेस ड्यू टू इनटेक ऑफ एल्कोहल। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, इसकी बात छोड़ो, यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबेसिटी की। अगर कोई इंसान मोटा है और वो ज्यादा ड्रिंक करता है, बिलीव मी मोटापे की वजह से लीवर पे पहले से ही बोझ बढ़ा हुआ है, ये भाई साहब एल्कोहल लेने लगेंगे तो लीवर इनका मोटापा संभालेगा कि एल्कोहल संभालेगा, ठीक है, लीवर जवाब जल्दी दे देगा। ठीक है, इसका इसके अलावा अगर किसी को पहले से ही लीवर की कोई डिजीज है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल। जैसे मान लो हेपेटाइटिस सी का इंफेक्शन है, ठीक होने वाला नहीं है, हेपेटाइटिस सी इटसेल्फ क्रॉनिक हेपेटाइटिस कराएगा कभी ना कभी, तो
तो ऐसे लोगों में हमें अल्कोहल मना कर देना है। तो रिस्क फैक्टर की बात करें तो अलग से नहीं लिखवा रहे हैं, हम लोग कहेंगे अवॉइड डेली इनटेक, ठीक है। और दूसरी चीज, लेस अल्कोहल टू बी टेकन बाई फीमेल्स, और इंसान में हम लोग कहेंगे कंट्रोल ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी को कंट्रोल में रखना है, ऐसा भी नहीं कि खाते भी हो पीते भी हो दोनों को लीवर नहीं हैंडल कर पाएगा, एक ही काम करो, ठीक है। या तो ज्यादा खाना ही खा लो या तो अल्कोहल ही ले लो, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम फूल के मोटे हो गए हो, लीवर के पास इतना फैट हो गया है कि बेचारा और कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है फैट स्टोरेज के अलावा, राइट। तो ओबेसिटी का बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से और आगे चल के लिवर सिरोसिस से, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर आप लोग समझ गए हो, अल्कोहल क्या होता है, किन किन ब्रांड्स में आता है, मोर और लेस क्या सेफ्टी लिमिट्स होती है। तो ये अल्कोहल डिवोटेड लेक्चर था, और आइए आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है। बेसिक्स ऑफ पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, अल्कोहल लिवर को कैसे परेशान करेगा। बेसिक्स ऑफ पैथोजेनेसिस, बेसिक्स ऑफ पैथोजेनेसिस, अगर यहाँ बेसिक्स ऑफ पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, एल्कोहल इज टॉक्सिक टू लिवर, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एसिटल्डिहाइड, और भी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो भी आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक। तो यहाँ पे जब एल्कोहल कोई पीता है तो जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है, ठीक है। फैट ब्रेकडाउन कम हो जाता है तो लीवर में फैट स्टोर होने लगता है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि यहाँ पे लीवर बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल लीवर, नॉर्मल। अब इनको नशा करने की आदत पड़ गई, एल्कोहल। एल्कोहल लेने के बाद लीवर सेल के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होने लगता है लीवर, और मान लो ये लीवर सेल है, इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स आने लगते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स इन लीवर सेल्स। क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि फैट का कैटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं लीवर के अंदर फैट इकट्ठा होने लगा, इसी चीज को हम लोग कह देते हैं फैटी लीवर, फैटी लीवर, ठीक है। धीरे धीरे लीवर सेल्स आपके फैट के डिपोजिशन से एसिटल्डिहाइड से डैमेज होने लगते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो हम लोग कह देते हैं इसी कंडीशन को आगे चल के लीवर सेल डैमेज एंड इन्फ्लामेशन, आगे चल के हम लोग कह देते हैं कि अभी तो इन्फ्लामेशन होगा, लीवर और बड़ा हो जाएगा। मतलब आप लोग अगर ऐसे इंसान को एग्जामिन करोगे तो इनका लीवर बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो हम लोग कह देते हैं ये आपका एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन वहां आइटिस लगा सकते हो, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, है ना। देखो लीवर पे कई स्टेज, पहले फैटी लीवर हुआ, चलिए यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, फिर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हुआ, धीरे धीरे लीवर सेल बेचारी इन्फ्लेमेशन की वजह से, फैट की वजह से, टॉक्सिन की वजह से बर्बाद होते गए, तो लीवर सेल बचे ही नहीं, ठीक है। तो लीवर अब श्रंक कर जाएगा, और जहां जहां लीवर सेल की डेथ होगी वहां फाइब्रस टिश्यू आके अपना क्या कहते हैं हीलिंग कराने लगेगा। तो हम लोग कह देते हैं फाइब्रोसिस, ऑन गोइंग फाइब्रोसिस एंड लीवर डैमेज विल लीड टू श्रिंकेज ऑफ लीवर। तो यहाँ पे धीरे धीरे लीवर सेल्स डैमेज होते रहेंगे, प्रोग्रेसिव लीवर सेल डैमेज एंड हीलिंग विद फाइब्रोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे फाइब्रोज्ड स्मॉल लीवर मिल जाता है, हम लोग कह देते हैं लीवर सिरोसिस। ये लो लीवर बचा ही नहीं, शराब पीते पीते आप अपना लीवर पी गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं स्मॉल नोड्यूलर एंड
श्रंकेन लिवर, ठीक है, इसी को हम लोग कह देते हैं थर्ड स्टेज लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस। ऊपर हम लोगों ने सिरोजेनिक डोज लिखी हुई थी, कितने में लिवर की सिरोसिस हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 180 ग्राम पर डे अल्कोहल लेना पड़ेगा, फीमेल है तो 160 पे ही हो जाएगा। यही मैं कह रहा था, अगर इतना ज्यादा ले रहे हो, इससे कम भी ले रहे हो तो भी लिवर डैमेज होगा, ठीक है। सेफ्टी लिमिट तो मैंने कितनी बताई थी, 14 और 21 यूनिट्स है ना, यहाँ पे लिवर सिरोसिस होने के चांसेस हैं। आगे चल के इतने से ही नहीं पेट भरा आपके लिवर का, अल्कोहल ने और भी कुछ काम कराए, इन्हीं में से कुछ को लिवर फेलियर हो जाएगा, लिवर फेलियर, ठीक है। हम लोगों ने कह दिया हमेशा के लिए लिवर शहीद हो गया, क्रॉनिक लिवर फेलियर, और कुछ लोगों में लिवर कैंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, अल्कोहल पियोगे तो लिवर के साथ अल्कोहल क्या करेगा, ठीक है। शुरू से लास्ट तक हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं इसको, अल्कोहल पीने से हुआ क्या। अल्कोहल लेते लेते आपने देखा कि फैट का मेटाबॉलिज्म बॉडी में कम हो गया, फैट लिवर में ही इकट्ठा होता गया। लिवर सेल के अंदर अगर फैट इकट्ठा हो जाएगा तो लिवर सेल अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी, तो इनिशियली यू विल गेट अ फैटी लिवर। फैटी लिवर के बाद आपके लिवर में सूजन मिलेगी, पहले तो लिवर बड़ा हो जाएगा सूजन होके, हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। यही अगर सिलसिला चलता रहा तो लिवर की सेल्स बचेंगी ही नहीं और हीलिंग होगी फाइब्रोसिस से, स्मॉल नोड्यूलर और श्रंकेन लिवर मिलेगा, हम लोग कह देंगे लिवर सिरोसिस। अब जब लिवर की सेल ही नहीं बची है तो हो सकता है इतनी कम सेल हो जाए कि लिवर अपना फंक्शन ना परफॉर्म करे, और लिवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं आप लोगों को पता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाएगा, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा, अमोनिया से यूरिया बनाएगा, मतलब अपना काम नहीं कर पाएगा, आपके पेशेंट में लिवर फेल हो जाएगा। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि कभी कभी लिवर कैंसर भी हो सकता है। लिवर का काम है प्रोटीन बनाना, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें लिवर बॉडी में क्या बनाता है प्रोटीन, लिवर सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स मेनली एल्ब्यूमिन, मेनली एल्ब्यूमिन। बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन आपके बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही वाटर रहे ये एल्ब्यूमिन डिसाइड करता है, नहीं तो ब्लड वेसल से वाटर लीक आउट करके एडिमा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एल्ब्यूमिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑन्कोटिक प्रेशर, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, राइट, मान लीजिए मैंने कह दिया लिवर फेलियर हो गया, देयरफॉर एल्ब्यूमिन अब नहीं सिंथेसाइज होगा, डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से जिनको लिवर की प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उनका पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है, हम लोग कहते हैं पेशेंट में एसाइटिस हो गया, ठीक है। लिवर जवाब दे गया, हम लोगों ने कह दिया फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों का जब लिवर खराब होता है तो सूजन आती है शरीर पे, वो इसलिए आती है क्योंकि बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, एल्ब्यूमिन को बनाने वाला इकलौता लिवर ही होता है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या है कि ब्लड वेसल के अंदर पानी को होल्ड करके रखें, अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो ये ब्लड वेसल से वाटर मॉलिक्यूल्स लीक हो जाएंगे, और अगर यही वाटर आपके टिश्यूज में आ जाएंगे, थर्ड स्पेसेस में आ गए जैसे प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, तो वहां पे आपके ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएंगे, और यही पेरिटोनियल कैविटी में है तो हम लोग एसाइटिस कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने पैथोजेनेसिस भी बता दिया, अल्कोहल क्या होता है ये भी बता दिया, क्या सेफ लिमिट्स हैं, ठीक है, ब्रांड भी मैंने बता दिया। अब आइए पैथोजेनेसिस में एक डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, अगर किसी का लिवर खराब हो गया तो जाहिर सी बात है सेहत बिल्कुल खराब हो जाएगी, ठीक है। तो जो बेवड़े टाइप के लोग होते हैं लिवर फेलियर लेके आते हैं और इस तरीके से पेट फुला के आते हैं, ठीक है। जब भी किसी को लिवर डिजीज होती है और अगर मान लो ऐसे इंसान में सूजन आती है तो सूजन पेट से स्टार्ट होती है,
पेट फूलना स्टार्ट होता है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग डिपेंडेंट एरियाज ऑफ बॉडी होती है जैसे लेग्स, पीडल एडिमा, किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है तो जो स्वेलिंग स्टार्ट होती है फेस से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट मुझे। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, तो कोई पीता खाता आदमी अगर आ जाए आपकी इमरजेंसी में पेट फुलाए हुए, ठीक है, और ड्रिंकिंग की हिस्ट्री हो, तो आप मान लो कि इनका लिवर अब जो है शहीद हो चुका है, इसी को हम लोग कह देते हैं एसाइटिस। तो अगर किसी को लिवर डिजीज होती है तो ज्यादातर जो स्वेलिंग स्टार्ट होती है हाथ पैर से नहीं, स्टार्ट्स फ्रॉम एब्डोमेन। तो ऐसे पेशेंट में आप लोग देख पा रहे हो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा, ठीक है, पेट फूल जाएगा, और यही पेरिटोनियल कैविटी में अगर फ्लूइड आ जाए तो हम लोग कहते हैं एसाइटिस, ठीक है। तो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ये अल्कोहल नहीं लेता है तो आप इसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस नहीं कह सकते हो। मान लीजिए आप इससे पूछो भाई शराब पीते हो, और मान लो इसने कह दिया कि पीता था, तो इसका मतलब पास्ट हिस्ट्री है हेपेटाइटिस, सॉरी अल्कोहल की। तो हमें देखना पड़ेगा कितने लंबे टाइम तक पिया है, कितने पैग मार लेता था, कौन सी ब्रांड लेता था, और कब छोड़ा है, ठीक है। अगर मान लो ये कहता है 10 साल पहले पीते थे, तो इसका मतलब अब बीमार हुआ है, 10 साल से ठीक था, तो ऑनगोइंग लिवर डैमेज नहीं हो सकता। अगर उसने छोड़ दिया टाइम से, किसी ने अपनी आदत सुधार ली, तो लिवर की रीजेनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, फिर उसको आगे डिजीज प्रोग्रेशन उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपने पूछा कि भाई शराब पीते हो, मान लो कह दिया इसने कि नहीं पीते हैं, मैंने परसों से छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कोई अल्कोहलिक नहीं है, जो होना था हो गया, परसों नरसों नहीं कैलकुलेट कर सकते यहाँ पे। एक डायग्राम और लिए लेते हैं। इस डायग्राम को ले लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा ठीक ठाक टेक्स्ट मिल गया है। इन्होंने भी देखिए यही बताने की कोशिश की है अल्कोहलिक लिवर डिजीज के 3 स्टेजेस हैं। पहले यहाँ पे फैटी लिवर है ना, जैसा हम लोगों ने बात किया था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे लिवर में सूजन मिलेगी, हेपेटाइटिस, फिर हम लोगों ने बात कर लिया था कि लिवर सिरोसिस मिलेगा। सिरोटिक डोज जो होती है करीब आपकी 180 या 160 ग्राम पर डे होती है, 10 से 20 या 25 साल तक लेता रहेगा पेशेंट, तो ये कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जब भी कोई लीवर कोई अल्कोहल लेता है तो लीवर में आपके फैटी एसिड्स या फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर मिलता है ना, क्योंकि ये फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन को, कैटाबॉलिज्म को रोक देता है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे, लीवर से अच्छी कोई जगह नहीं है इनके डिपॉजिशन के लिए, ठीक है। जब तक पेशेंट में हेपेटाइटिस वाली स्टेज है तब तक तो रिवर्सिबल है, अल्कोहल अगर मान लीजिए वो छोड़ देता है, लेकिन अगर एक बार सिरोसिस हो गया तो अब डिजीज इरिवर्सिबल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सिरोसिस में लीवर को जितना रीजनरेट करना था कर गया, अब लीवर सेल शहीद हो चुके हैं और उनकी जगह फाइब्रस टिश्यू आ गया है। यहाँ पे जब स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज की बात करते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एल्कोहल पहले क्या कराएगा, वही चीज आपका फैटी लीवर कराएगा, फैटी लीवर, फिर हमने कह दिया एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और फिर हम लोगों ने कह दिया लीवर सिरोसिस, है ना। यहाँ पे ये जानना जरूरी है अगर उसने टाइमली छोड़ दिया, ठीक है, लीवर सिरोसिस, यहां तक कंडीशन रिवर्सिबल थी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सुधर जाओ, स्टिल रिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन एक बार सिरोसिस हो गया तो आज नहीं तो कल लीवर फेलियर होगा, और बुरी किस्मत है तो लीवर कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये इरिवर्सिबल स्टेज आ गई, जिसको हम लोग कह देते हैं लीवर सिरोसिस, इरिवर्सिबल,
ठीक है, तो पूरी पैथोजेनेसिस हम लोगों ने देख लिया, कैसे कैसे डिजीज प्रोग्रेशन होता है, और ये भी देख लिया एक मेन सिम्टम कि अगर किसी को एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गई है, खासकर लिवर सिरोसिस हो गया है, तो पेशेंट में एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लिवर डिजीज और नॉन लिवर डिजीज में डिफ्रेंसिएट करता है, दैट इज स्वेलिंग। ठीक है, तो जब हम लोग स्वेलिंग की बात करेंगे कार्डियक सिस्टम में तो पैर की स्वेलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, जब किडनी की बात करेंगे तो पेरी ऑर्बिटल या फेसियल स्वेलिंग की बात करेंगे, जब किडनी की बात करेंगे तो पहले जो स्वेलिंग आएगी वो पेट पे आएगी। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के फॉर्म में, एसाइटिस के फॉर्म में, इसका मतलब है फ्लूइड इज लीक्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज पेरिटोनियल कैविटी। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी प्रेटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए थोड़ी देर में चैट सेक्शन में बात करते हैं। एल्कोहल समझ में आया कि पहली बार एल्कोहल की इतनी तारीफ सुना है तुम लोगों ने, बताओ। माइक ऑन कर दिया है। ज्यादातर मैंने एल्कोहल के बारे में तुम लोगों को पॉजिटिव चीजें बताई हैं, तो पहले ये बताओ तारीफ पसंद आई एल्कोहल की? कितने लोगों को ये तारीफ बहुत पसंद आई? तुम लोगों ने चैट सेक्शन में बिल्कुल कई ब्रांड वगैरह लिखे हैं यार, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, बैलेंटीन, ओह कितनी मैगी पी हो गई यार। वैसे तुम लोगों को एक चीज और बता देते हैं, दारू कोई भी ब्रांड की पी लो, ठीक है, द ओनली थिंग विच मैटर्स क्या है बताओ, कौन बताएगा? कोई भी ब्रांड की पियो, एक ही चीज मैटर करती है, देखते हैं किसका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। स्मूथनेस क्या होता है भैया प्रतीक? डोज, गोवर्धन, आंचल, प्रदीप, अभिषेक कह रहे हैं सिचुएशन, वाह। तो आज अभिषेक एक ऐसी परफॉर्मेंस हो गिटार पे जिसमें तुम कोई शराबी सॉन्ग पे परफॉर्म करो। सगुफा भी कह रही है डोज, मीनाक्षी कह रही है एल्कोहल परसेंटेज। अरे रियल लाइफ में क्या ज्यादा मैटर करता है ये पूछ रहे हैं यार, परसेंटेज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, बताओ डोज एंड ड्यूरेशन, आंचल, डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन मत कराओ उनको तुम लोग, समझे? क्या मैटर करती सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग की समय? डाइजेस्टिव कैपेसिटी, वाह वंदना जी क्या बात है। चखना ज्यादा मैटर करता है सौरभ को, तो ठीक है दालमोठ चखना। संदीप थोड़ा क्लोज आ गए, महफिल। क्या यार तुम लोग तो नशा, अर्जुन कह रहे हैं नशा चढ़ना चाहिए बस, फैटी नहीं हो, क्या फैटी नहीं हो। और माजिद कह रही है पीस, कह रहे हैं सॉरी पैसे, पैसे नॉट पीस। ज्योति कह रहे हैं किसके साथ पी रहे हैं। कमाल अहमद कह रहे हैं एक्साइटमेंट। सौरभ कह रहे हैं महफिल मित्रों की। शिखर कह रहे हैं यहाँ घर वाले तो नहीं देख रहे हैं। तो जो प्राइस जाता है, जो मैं सुनना चाह रहा था वो चीज बताया है ज्योति सिंह ने, तो सबसे ज्यादा मैटर करती है कंपनी, दारू की नहीं, किसके साथ पी रहे हो उसकी कंपनी। ठीक है, तो सभी लोग क्लैप करिए। अच्छा आंचल को भी, चलो दो लोगों को मिल जाएगा, ज्योति एंड आंचल। हमारे क्लास में कई ज्योति हैं, तो बता दीजिएगा किसका प्राइस है ये। बहुत अच्छा कॉमन सेंस आया, गर्ल्स में काफी कॉमनली एब्सेंट होता है कॉमन सेंस, लेकिन यहाँ तुम लोगों ने, यार महफिल वाली बात को मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, कंपनी का मतलब थोड़ा प्राइवेट कंपनी की तरफ जाओ तुम लोग, समझे? महफिल वहफिल तो जमती रहती है, तो प्राइज गोज टू आंचल एंड क्या कहते हैं ज्योति। तो आप लोगों को मिलते हैं 100 रुपीज के एल्कोहल के वाउचर्स, ठीक है, बियर के वाउचर्स मैं कहूंगा यहाँ पे, तो आप लोग साथ में चीयर्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर्स। और कितने लोगों ने यहाँ पे हौसला अफजाया है, तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ सुनाई दे रही है। ठीक है, तो दोनों लोग चीयर्स करना। अब चलो एक चीज और बता दो, चीयर्स का रूल क्या होता है? मतलब अगर मान लीजिए आप लोग चीयर्स कर रहे हो, दांत वाला चीयर्स नहीं, समझे? वंदना कह रही सर मुझे भी गिफ्ट कर दीजिए, ठीक है एक बियर की बोतल वंदना को भी, बहुत बढ़िया। चीयर्स का क्या मतलब होता है? मतलब अगर मान लो कोई पी रहा है तो कैसे चीयर्स करे, या चीयर्स का क्या नियम क्या होता है?
कुछ पता है नियम कानून तुम लोगों को? माइक ऑन है, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो यार? इतनी देर से मैं अकेले बोल रहा हूँ। अभिषेक कुछ है यार, परफॉर्मेंस में कुछ है अभिषेक? कुछ कोई सॉन्ग तैयार है? एनरिक हेलो। वगैरह कोई शराबी सॉन्ग तैयार है अभिषेक? शराबी सॉन्ग? सर शराबी सॉन्ग को पता नहीं है कोई। तो तुम कोई ऐसा सॉन्ग सुनाओ जिसमें काफी नशा हो, ठीक है? जैसे पहला नशा, वो वाला पहला नशा, पहला खुमार, समथिंग लाइक दैट, वो वाला रेडी है ना तुम्हारा? नहीं यार तुम डिसअपॉइंट मत करना हमको। सर, डिस्पॉइंट नहीं करेंगे, 1 सेकंड। वही तो, इतने सारे तुम्हारे फैंस हैं, सब लोग तुम्हारा फोन नंबर मांगते रहते हैं मुझसे। और तब तक कोई शायरी कर दे जिसमें अल्कोहल भरी शायरी हो। तो माइक पे कौन आ रहे हैं आप लोगों में से, बताइए, जिसको अल्कोहल भरी शायरी आती हो, जिसकी शायरी सुन के भी नशा हो जाए? वॉलेंटरली कौन आएगा? शिखर आओ, शिखर एक कोई चैट सेक्शन में काफी है। शिखर बताओ, कुछ है पिटारे में? सर बस गूगल कर रहा हूँ, 1 मिनट में। क्या यार, ये सब चीजें पहले से तैयार करके रखा करो। मैं लेक्चर के बीच में बोला था कि आज कुछ जाम फैलाना है। हेलो। हाँ बताइए, हाँ सर, बजा रहे हैं, सुनिए। चलिए। कुछ एल्कोहल को डेडिकेट कर रहे हो आज, तुम डॉली को डेडिकेट नहीं कर रहे हो, समझ लो ना इस बात को। डॉली एल्कोहल से बहुत नफरत करती है। सर, अल्कोहल पे बेस्ड नहीं है सर। अच्छा ठीक सही है सर, चलो ठीक है, वेरी नाइस। तो सभी लोग भाई फोकस करें और सभी लोग प्रेज करें अभिषेक को। चैट सेक्शन में भी, माइक पे भी कर सकते हैं। जरूरी है मेरा मिलना भी जरूरी। मैंने मिटा दे ये जो तेरी तेरी दूरी, बातें जरूरी मेरा मिलना भी जरूरी। मैंने मिटा दे ये जो तेरी तेरी दूरी, झूठी है वो राही सारी दुनिया की, इश्क ना तेरा मेरा मिलना क्या होना। अगर तू पहला पहला प्यार मेरा, जीते जीना बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पहले पहले प्यार का नशा जो है, बहुत ही गजब। चलो क्या परफॉर्मेंस है। चैट सेक्शन में मैं अगर देख पाऊँ, आंचल ने तुमको बहुत सारे हार्ट्स दिए हैं अभिषेक, ठीक है? तो अब थैंक यू अजय। आंचल अब तुम्हें ट्रीट पे ले जाएंगी, समझे? इतना अच्छा परफॉर्मेंस तुमने किया है, सी इज माइटी माइटी इम्प्रेस्ड। तो एक एल्कोहल पे शायरी हो जाए, हम ही कर देते हैं। तुम लोग तो ऐसे लगता है नशे में चल रहे हो।
तो अगर मान लीजिए कोई शायरी करते हो तो वो सिचुएशन को बिल्कुल फिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अल्कोहल की बात हो रही है तो मेरी शायरी को किसी ना किसी को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। नॉन राइमिक शायरी है लेकिन हाँ मीनिंगफुल होगी, जैसे इंसान क्या कहते हैं किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होता है हर कोई। मान लो किसी के कोई फीचर्स हैं समथिंग लाइक दैट, किसी को किसी के लिप्स पसंद है, हेयर स्टाइल पसंद है, समथिंग लाइक दैट। इसी तरीके से मुझे लगता है कि लोगों की आईज में काफी कुछ होता है, तो मैं आईज को रिलेट करना चाहूंगा एल्कोहल से, ठीक है। तुम लोग भी अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हो, जो लोग भी शायरी को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो अर्ज करते हैं, अर्ज किया है, देखो तुम्हारी आंखों की तौहीन है ये। तौहीन का मतलब समझते हो तुम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय तौहीन? बेइज्जती बेइज्जती। बहुत बढ़िया। बेइज्जती तो शायर जो है किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है, तंज कर रहा है, ठीक है, लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पे। तो यहाँ पे ये शायर मान लो मैं हूं, देखो तुम्हारी आंखों की तौहीन है ये। आंखों को देख के भी नशा होता है, मानते हो कि नहीं तुम लोग? बताओ यार, कुछ शायरी को चटपटा बना दिया करो, जी नशा सर, होता है। होता है बहुत होता है। बढ़िया। तो लोगों की आंखों को देख के भी नशा हो सकता है, दिस इज प्रेटी नॉर्मल, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड ये शायरी है, थीम यही है नशा आंखों का, ठीक है। तो अर्ज है कि देखो तुम्हारी आंखों की तौहीन है ये, तुम्हें चाहने वाला शराब पीता है। वाह सर, समझ पाए तुम लोग? तो अब इसको कौन कंटिन्यू करेगा? सुनने चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इरशाद इरशाद, इंसा है शायद लाइन पे। तो सर तुम्हारा नाक थीम क्या है, आईज सर और एल्कोहल की कुछ और एल्कोहल? सर आइज और अल्कोहल फ्री बहुत बढ़िया। देखो हमारी तुम्हारी थिंकिंग कितनी मैच कर रही है, वो अलग है बात है, हम बेवड़े टाइप के हैं, तुम काफी सुलझे हुए हो। चलो ठीक है, इंसा बताओ। ना कर इतना गरूर अपने नशे पर शराब, तुझसे ज्यादा नशा रखती हैं आंखें किसी की। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री शायरी है। तो तुमने अभी बनाया है कि गूगल कर लिया तुमने इतनी जल्दी? गूगल बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम्हारे पास नेट कनेक्टिविटी बहुत सुपर्ब है, वेरी नाइस। कौन इसको और कंटिन्यू करना चाहेगा? एक लड़का है हमारी क्लास में, शायद उसका नाम हरसिमरन है। हरसिमरन तुम लाइन पे हो, कुछ कंटिन्यू करो भैया, बेइज्जती करा रहे हो। संदीप चौधरी कुछ कर रहे हो? हाँ सर, एक शायरी है तो तुम थीम को कहाँ ले जा रहे हो? सर, सर मैं थीम भी का करना तो पता चाहूंगा, नहीं बिल्कुल आप भी करिएगा। थीम आप किस चीज से अटैच कर रहे हो एल्कोहल को? सर, बस शायरी है। हाँ एल्कोहल आएगा ना उसमें, हाँ सर, बस एल्कोहल ठीक है, आएगा। हम लोग खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। चलिए बताइए। अगर गम मोहब्बत पे हावी ना होता तो खुदा की कसम मैं शराबी ना होता। ओ हो, बहुत खूब। यही तो शुरू में मैंने बताया, अल्कोहल जरूरी है, नहीं तो ज्यादा लोग मर जाएंगे। तुम इस बात को मानते हो? बिल्कुल सही बात है सर। सही बात। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, मेरा सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। चलिए अब आशीष पांडे की तरफ चलते हैं, फिर अवधेश के पास चलते हैं। पांडे जी बताइए, जी सर, आप इस थीम को कहाँ कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना चाहते हैं? आंखें हैं कि मैखाने के दरवाजे खुले हैं, क्या बात है, आंखें हैं कि मैखाने के दरवाजे खुले हैं, ये होठ गुलाबी हैं कि रंगों से धुले हैं। वाह वाह, क्या बात। तुमने आईज और लिप्स दोनों को कनेक्ट कर दिया, तुम कुछ ज्यादा रोमांटिक इंसान लग रहे हो। वेरी नाइस, रोमांस अनलिमिटेड, ओ गॉड। चलिए बहुत बढ़िया आशीष। अब अवधेश इसको और आगे लेके जाएंगे, और इसके बाद फिर डॉक्टर आशीष भी आएंगे। मतलब यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर एल्कोहल की बात किया जाए, मुझे तो ऐसा लगता है। बताइए अवधेश। सिर्फ एक बार चूमा था महबूब के ऊँटों को, सिर्फ वाह वाह, क्या बात एक बार चूमा था महबूब के ऊँटों को, लोगों ने बस्ती से निकाल दिया शराब पीने के इल्जाम में। है। ओ गॉड, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है यार। एक ही इंसान समझी होगी लेकिन उसकी एक ना चली होगी। क्या डीप थी यार, क्या डेप्थ थी इस शायरी में। और दिस, आप मैरिड हो क्या यार, बताइए। नहीं सर, नहीं,
ये पंगा कब हुआ था? उन्हीं से हुआ था जिसकी मैरिज हुई, जिससे मैरिज हुई है, या कैसे? चलो ठीक है, पहले कभी हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब तुम एक एक्चुअल वाला भी किस्सा बताओगे। अब चलते हैं हम लोग डॉक्टर आशीष के पास। डॉक्टर आशीष बताइए। यस सर, मैं कहूंगा ये तो दवा है। वाह, ये तो दवा है, रोग तो कुछ और है। क्या बात है, रोग के आगे ये तो दवा है, असल में रोग तो है, बस इतना ही। अच्छा यार, तुमने तो समराइज कर दी शायरी को, तब भी उसे मीनिंग आ रहा है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। और बताइए, अरे कोई फीमेल कंपनी भी आएगी लाइन पे कि बस हम ही बेवड़े लोग बात करते रहेंगे ऐसी? अहिंसा के अलावा भी तो कोई अपना टैलेंट दिखाओ। शिखर बताइए। शिखर, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है। इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वही होता है जो हर शाम को दो पैग मार के सोता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मैसेज। दो पैग तुमने किया तो तुमने 80 ग्राम से लेवल को 60 ग्राम तक रखा है, तो तुमने बहुत अच्छा इस लेक्चर को फॉलो किया है ऐसा लगता है। कोई मोहतरमा आना चाहेंगी? इतना हम लोग वेट कर रहे हैं तब से। इंसा के अलावा है किसी में दम, जो यहाँ पे कुछ दमखम दिखाए? बताओ यार। प्रवीण गौर बहुत बोल रही थी, प्रवीण को बुलाते हैं। प्रवीण बताइए क्या प्रेजेंट कर रही हैं? प्रवीण बताएंगी नहीं, चलते हैं किसी और के पास। प्रिया गुप्ता, प्रिया गुप्ता और क्या कहते हैं, प्रियल साह। प्रिया गुप्ता के नेटवर्क को भी नशा हो गया है ऐसा लगता है। तो प्रवीण के प्यार में भी नशा होता है, इसको कुछ बोलना चाहूंगी। बेटा तुम्हारे नेटवर्क को नशा हो गया है, तुम नेक्स्ट टाइम सुनाना, आवाज आ नहीं रही है। जी हेलो सर। हाँ अब आ गई बेटा, अभी बीच में तुम जानबूझ के ऐसे बोल रहे थे क्या? बेटा नेटवर्क सही नहीं आ रहा था आपका। तो प्रवीण के आगे चलते हैं। सगुफ्ता शायद कुछ परफॉर्म करना चाह रही हैं। सगुफ्ता बताइए क्या परफॉर्म करना चाह रही हैं? सर शगुफा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सगुफा बताइए। एक शायरी है सर, ये इसी पे है, जो उनकी आंखों से बयान होते हैं। वाह, बस आंखों से सर, अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है, हम लोग रिलेट कर लेंगे। जो उनकी आंखों से बयान होते हैं वो लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल 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 सही, कंप्लीट हो गई है, मैं तो ये भी मानूंगा। और भी है? नो सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अल्कोहल तो कहीं कुछ है ही नहीं, अल्कोहल का तो लोग नशे के लिए एक बहाना करते हैं, नशा तो और बहुत सारी नेचुरल चीजों में है। वेरी नाइस। प्रियल कुछ कहना चाह रही हैं? प्रियल ने भी काफी अल्कोहल लिया है अपनी लाइफ में, तो आज उन्हीं का कोई इंसिडेंट बताने जा रही हैं। हेलो जी, बताइए जी, बताइए प्रियल जी सर। अरे मुझे म्यूट कर दो सर। बोलू। हाँ हाँ। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी तो सुबह उतर जाएगी, अरे दो बूंद मेरे प्यार की पी लो, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। बहुत बढ़िया, कैसे तुम लोग इतना मीनिंगफुल प्रेजेंट कर लेते हो। मुझे तो लगता है कि मुझे एक दिन ऑफलाइन शायरी शो करना चाहिए तुम लोगों के इन्वॉल्वमेंट से। शुभम दत्त बंसल शायद कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए बंसल जी। तो बंसल जी का आज लास्ट परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद हम लोग अब अपने अपने बताइए। अब आशीष पांडे शायद दोबारा आए हैं। जी सर, अब इतना इतना जैसे सर एल्कोहल का माहौल हो गया है, तो थोड़ा सा ये कुछ
लाइन से हटके है सर, थोड़ा पाकीज़गी कह सकते हैं। अल्कोहल की बात हो तो गांजा और चरस की बात हो। जी सर, एक्चुअली मैं आंखों से ही रिलेटेड है। बताइए बताइए। एक हुस्ने बयानी है तुम्हारी आंखें, एक हुस्ने बयानी है तुम्हारी आंखें, अल्फाजो मानी है तुम्हारी आंखें, मैं शौक से दिन रात पढ़ा करता हूँ, मैं शौक से दिन रात पढ़ा करता हूँ, आयाते कुरानी है तुम्हारी आंखें। क्या बात है आप, क्या बात है। कॉपी बुक स्टाइल में लिखा हुआ है लेकिन बहुत मीनिंगफुल, बहुत इसमें रेफरेंस पॉइंट है। वेरी नाइस, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। इंसा अपने सेकंड परफॉर्मेंस के साथ आ रही हैं। बताइए इंसा, क्या है पिटारे में? सर कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया, करिएगा। जाने क्यों डूब जाता है हर बार इन्हें देखकर, एक दरिया है या पूरा समुंदर है तेरी आंखें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत डीप, बहुत बढ़िया। और बताइए, समुंदर की गहराई कोई और नापना चाहेगा? सुगंध बंसल बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए। पानी आंखों में हो या दरिया में, पानी आंखों में हो या दरिया में, दोनों में गहराई और राज उतने ही अधिक होते हैं। क्या बात है यार, तुम लोग ऐसे कैसे इतने कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट कर लेते हो, इतना इंस्टेंटेनियस, बहुत बढ़िया। तुम लोग गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तुम लोगों को कहीं शायरी मुशायरे में होना चाहिए। शाबाश। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक जितने लोगों को मैं बुला सकता था मैंने बुलाया माइक पे, और बाकी लोग जो बचे हैं, कल पार्ट टू होगा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का, बाकी लोग कल मिलिए, और बिना परफॉर्मेंस के क्लास अब अलाउड नहीं रहेगी, समझे? ओके गाइस, वेरी लवली टाइम विद यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।